किसान संबंधित इश्यूज अर्गस के लिए मायना रखता है और इसीलिए पिछले बार सम्मान्य मंत्री महोदय खुद उपस्थित थे, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मुख्य अतिथि के रूप में, और इस बार सम्मान्य कैलाश चौधरी जी भी उपस्थित हैं मार्गदर्शन करने के लिए। और अपना वक्तव्य के तहत सारे किसान मित्रों को, हम सबको प्रेरणा देने के लिए आज हमारे लिए खुशी की बात है कि मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान्य कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी उपस्थित हैं। अर्गस की एक कार्यक्रम में पिछले बार मैं यहाँ उपस्थित था और सम्मान्य कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित थे। और पिछले साल और इस साल भी अर्गस के तरफ से कृषि संबंधित चर्चा हो रहा है और ये दर्शाता है कि किस तरीके से अर्गस किसान के बारे में सोचता है, किसान के समृद्धि के बारे में सोचता है और उनके भलाई के लिए कैसे काम कर रहा है। ये प्रतीत होता है कि बाकी सारे विषय के साथ साथ किसान संबंधित इश्यूज अर्गस के लिए मायना रखता है और इसीलिए पिछले बार सम्मान्य मंत्री महोदय खुद उपस्थित थे, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मुख्य अतिथि के रूप में, और इस बार सम्मान्य कैलाश चौधरी जी भी उपस्थित हैं मार्गदर्शन करने के लिए। और अपना वक्तव्य के तहत सारे किसान मित्रों को, हम सबको प्रेरणा देने के लिए आज का ये जो विषय वस्तु रखा गया है कि समवाय सहकार से समृद्धि, समवायरु समृद्धि ओडिया रे, ये जो विषय वस्तु है ये नहीं है कि किसान अपने आप काम नहीं करता, अकेला काम नहीं करता, अपने तरीके से किसान अपना प्रयास करते आया है। और आप जानते हैं कैसे पिछले 7-8 साल में कृषि के क्षेत्र में प्रगति हुई है देश में। 3.5% से ज्यादा एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ कृषि क्षेत्र में और कृषि एवं अलाइड सेक्टर के क्षेत्र में ये वृद्धि हम देखे हैं कोविड के बावजूद, अत्यंत सराहनीय है। अब भारत सरकार के समस्त योजना के कारण ये सफल हुआ है, संभव हुआ है, और राज्य सरकार भी अपने अपने तरीके से इसमें योगदान दिए हैं। सम्मान्य प्रधानमंत्री जी आह्वान दिए थे कि किसान के आमदनी में वृद्धि होना चाहिए, दुगनी होना चाहिए। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तरफ से सम्मान्य कृषि मंत्री एवं कृषि राज्य मंत्री इनके मार्गदर्शन में हम लोग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तरफ से कई गांव गोद में लिया गया। टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन कैसे हो उसके लिए चर्चा के तहत, प्रयास के तहत ध्यान दिया गया, किसानों को मदद किया गया, सरकार की योजना का कुछ फायदा उनके पास पहुंचाया गया, राज्य सरकार के साथ हाथ मिलाते हुए काम किया गया। और अभी 75,000 किसान का आमदनी का दुगुनी, 5 गुनी और 10 गुनी कुछ किसानों का जो आमदनी में वृद्धि हुई है उसका हिसाब करते हुए एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है। और ये 75,000 किसान का ये सक्सेस स्टोरी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वेबसाइट में भी रखा गया है। तो कोई किसान चाहे, कोई व्यक्ति चाहे,
उसको देख सकते हैं, समरी डॉक्यूमेंट भी है। तो किसान का समृद्धि के लिए आय में वृद्धि होना बहुत जरूरी है, इंडिविजुअली कलेक्टिवली। कलेक्टिवली जब किसान आते हैं, एकत्रित होते हैं, कोऑपरेटिव बनाते हैं, समवाय बनाते हैं, उसका बार्गेनिंग पावर बढ़ता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल काम में आता है। अकेला जो नहीं कर पाता किसान, एकत्रित होकर वो कर पाता है। कई उदाहरण हमारे सामने हैं कृषि क्षेत्र में कि कैसे समवाय और सहकारिता के जरिए किसान एकत्रित होकर सशक्तिकरण हुआ है, समृद्धि लाया गया है और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में ये अत्यंत ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने गुजरात में और अन्यान्य प्रदेश में भी, जिसको रेप्लिकेट किया गया है अमूल मॉडल को। तो उसका अगर गहराई से देखा जाए, दो तीन बातें हैं जिससे सीख लेने की आवश्यकता है। आज अगर हम सहकारिता की बात करते हैं तो किस तरीके से किया जा सकता है, भारत सरकार 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की है और कई बन चुके हैं, कई हजार बन चुके हैं, और ये जो बनाने की उद्देश्य है उसी दिशा में एक कदम है कि सारे किसान इकट्ठे आएंगे, काम करेंगे और इकोनॉमी ऑफ स्केल ऑपरेट करेगा और किसान का बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा और किसान खुद प्रसंस्करण कर सकता है उत्पादन के साथ साथ। गुणयुक्त जब होगा उसका पदार्थ, उसका भाव ज्यादा मिलेगा बाजार में और बाजार के साथ जुड़ पाएगा, तब जाके उसको फायदा मिलेगा, ज्यादा फायदा मिलेगा। और ये सहकारिता का ये एक नतीजा है जो हमारे सामने है। दुग्ध उत्पादक इकट्ठी होते हुए गुजरात में जो उत्पादन, थोड़ा थोड़ा उत्पादन करते थे, जब इकट्ठी हो जाता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाता है और उसी के साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग उसके साथ साथ चलता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसका जो है फायदा किसान को मिलता है और जितने प्लेयर्स होते हैं वो वैल्यू चेन में सबको फायदा होता है। और इसका रेप्लिकेशन कई प्रदेशों में हुआ है और उसके विस्तारित रूप से अन्य वक्ता बताएंगे, लेकिन ये एक मुख्य जो हमारा फायदा है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल होने के कारण तो किसान को फायदा होता है। दूसरी बात यह है कि कंज्यूमर्स को भी फायदा होता है, गुणवर्धन होने के कारण कंज्यूमर को भी फायदा होता है। अभी बताया गया जैसे प्रसंस्करण होने के कारण मेडिसिनल प्लांट्स में किस तरीके से गुणयुक्त होता है पदार्थ और वो बाजार में जाता है तो जो यूजर है उसको भी फायदा होता है। इसी तरह का कई उदाहरण है। अभी इफको का रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर यहां बैठे हैं, उसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, कितना बढ़िया उदाहरण है। 40,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव इकट्ठी आकर तो ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किए हैं और किस तरीके से उनको रिटर्न्स मिलता है और सीएसआर के तहत हो और अदरवाइज। तो ये जो सहकारिता का जो फायदा है वो कई उदाहरण है हमारे सामने और किसान इकट्ठी आते हैं तो उनका ही फायदा होता है। लेकिन ये संभव नहीं होता अक्सर कि किसान इकट्ठी आए तो हर अक्सर फायदा हो। उसके लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होता है और ये स्टडी से पाया गया है कि उसके लिए जो नेतृत्व की आवश्यकता है, वो नेतृत्व की अगर अभाव हो तो ये सफलतापूर्वक उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। और नेतृत्व वो सबको लेके चलने वाला नेतृत्व होना चाहिए, सबका हित देखने वाला नेतृत्व होना चाहिए। और जब उस तरह का नेतृत्व होता है सहकारिता का, तब जाके उसका पावर बढ़ जाता है। हम सह्याद्री में देखे हैं,
जो किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना है, वो ये कॉन्सेप्ट से बनने से पहले वो बना हुआ है, लेकिन उसका जो पावर है अभी बाजार के साथ जोड़ने का और छोटे किसान को फायदा देने का एक उदाहरण है बाकी किसानों के लिए कि कैसे हम सफलतापूर्वक इस तरह का सहकारिता बना सकते हैं। लेकिन एक दो बात और करके मैं समाप्त करूंगा, समय बहुत संक्षिप्त, बहुत सारे वक्ता हैं, उनसे सीखने की आवश्यकता है हमें और सम्मान्य मुख्य अतिथि को भी सुनना है। एक बात यह है कि हमारे सारे किसान छोटे और सीमांत किसान 85% से ज्यादा छोटे खेत और फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग होने के कारण वो इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं हो पाता, और ये छोटे खेत के कारण उसमें टेक्नोलॉजी भी व्यवहार नहीं हो पाता सही तरीके से, और इसीलिए छोटे किसान और बड़े जोत होने की आवश्यकता है और वहां कोऑपरेटिव बनाना जरूरी है। और कोऑपरेटिव जब बनता है, छोटा किसान होने के बावजूद खेत बड़ा हो जाता है, और कई अनेक देश में, अन्य देश में इसका उदाहरण है, छोटे किसान बड़ा खेत, और बड़ा खेत होने के कारण टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। हम अभी बोलते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल करो, किसान ड्रोन का लॉन्च हुआ है, और ड्रोन का इस्तेमाल खाली स्प्रे पेस्टिसाइड या खाद केमिकल रसायनिक खाद स्प्रे करने के लिए नहीं है, वो तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सही समय पर सही परिमाण में खाद देना, पानी देना, उसका बचत करना, प्राकृतिक संसाधन का सही इस्तेमाल करना, पैदावार बढ़ाना, सही समय पर हार्वेस्ट करना और प्रसंस्करण करना, ये सब उसके साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ किसान को फायदा देना और सहकारिता के साथ इसको जब जोड़ दिया जाता है, छोटे और सीमांत किसान को फायदा होता है, छोटा किसान बड़ा हो जाता है, और खेत बड़ा होने के कारण टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही हो पाता है। और ये छोटे खेत में अगर ड्रोन से स्प्रे करने लगेंगे, दूसरे किसान जो बगल में खेत है उसके खेत में जब केमिकल गिरता है वो ऑब्जेक्ट कर सकता है, उसका ऑर्गेनिक खेत भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत सोच समझकर सहकारिता को अपनाते हुए, कोऑपरेटिव सिस्टम को, मॉडल को अपनाते हुए उसका फायदा लेना चाहिए, और ये किस तरीके से इसको सरकार अपनाएगा और इंप्लीमेंट करेगा इसके बारे में हर एक स्टेट गवर्नमेंट चर्चा करते हैं। अब आजकल कोऑपरेशन अलग डिपार्टमेंट बन चुका है, उड़ीसा में भी बना हुआ है, और मैं समझता हूं उसका पूरा फायदा उठा रहे होंगे और उठाएंगे भी। और ये बड़ा खेत जब हो जाएगा उसमें इरिगेशन मैनेजमेंट सही हो जाएगा, पानी का बचत होगा, खाद का बचत होगा, बड़े प्याच में आप ऑर्गेनिक का खेती कर सकते हैं, और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए सारे फसल का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और कब हार्वेस्ट करेंगे उसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं, जान सकते हैं, और बाजार में सही मूल्य आपको मिल सकता है। तो इसीलिए मैं सारे किसान मित्रों को निवेदन करूंगा, इसका फायदा तो लेना चाहिए सहकारिता का, लेकिन इसके बारे में सरकार के जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए, और जानकारी के अभाव से कारण जो किसान सारे प्रोग्राम का फायदा नहीं ले पाता, और इतने योजनाएं हैं उसमें किसान कंफ्यूज भी हो जाते हैं, सारे फायदा के बारे में जानकारी भी ले नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमारा इस तरह के जो कार्यक्रम आजकल हो रहा है, और विशेष रूप में अर्गस टीवी की तरफ से इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, इसका महत्व उद्देश्य यही है कि किसान मित्रों के पास हम पहुंचे और ये संवाद पहुंचाए कि सहकारिता के द्वारा, कोऑपरेटिव सिस्टम मॉडल के द्वारा आप एकत्रित होकर सशक्त हो सकते हैं और पूरा फायदा सरकार का ले सकते हैं, और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हुए उसका फायदा आप उठा सकते हैं। और जो हमारे देसी किस्में हैं, देसी किस्म में बहुत सारे गुणवत्ता है, और जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसका सहनशीलता है, उसका फायदा आप कल्टीवेट करते हुए, उसको उगाते हुए उसका फायदा क्या ले सकते हैं, उसका अधिकार आपका है, उसको प्रोटेक्ट आप कर सकते हैं,
पीपीवी एफआरए जो अथॉरिटी बना है एक्ट के तहत, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके उसका आपका अधिकार है कि आपका जो किस्म है, जो वैरायटी आपका है, उसके ऊपर आपका अधिकार है। कोई दूसरा कोई व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन आपसे अगर लेता है और कमर्शियलाइज करता है, उसका हिस्सा आपको मिलना चाहिए। तो इसलिए आप अगर अपना किस्म का रजिस्ट्रेशन हमारे साथ कराएंगे और उसका उगाएंगे और उसका कमर्शियल करके आप फायदा लेंगे और कोऑपरेटिव वे में उसका उगाना शुरू करेंगे, यानी क्लस्टर्ड अप्रोच, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इतना ही बोलते हुए अर्गस टीवी को पुनः धन्यवाद देते हुए और बधाई देते हुए दूसरे साल के कार्यक्रम के लिए मैं ही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ीसा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।